हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा भोजपुरी इंडस्ट्री में मुस्लिम धर्म से कौन कौन है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को किसी जाति से भेदभाव से जोड़ के ना देखें दोस्तों, बल्कि एक ये जानकारी दिया गया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें रानी चटर्जी की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस रानी चटर्जी को माना जाता है, बेहतरीन अभिनेत्री माना जाता है। बता दूं दोस्तों कि रानी चटर्जी भी मुस्लिम धर्म से आती है दोस्तों, जो कि दोस्तों इनका रियल नेम जो कि हसीना खातून था दोस्तों पहले। लेकिन दोस्तों बता दूं कि एक मूवी ससुरा बड़ा पैसा वाला में काम करने से इनका नाम रानी पड़ गया दोस्तों, जिससे दोस्तों इनको लोग रानी के नाम से जानने लगे दोस्तों। और बाद में इन्होंने अपने नाम के एंड में चटर्जी लगा लिया, जिससे लोग इनको रानी चटर्जी के नाम से जानने लगे दोस्तों। और भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस रानी चटर्जी है। बता दूं दोस्तों कि रानी चटर्जी एकलौती वो एक्ट्रेस हैं जो अपने बल पे अपनी मूवी हिट करने की क्षमता रखती हैं। चलिए बात करते हैं अब अयाज खान की, तो मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आप इनको जानते होंगे दोस्तों। बता दूं भोजपुरी के कई हिट फिल्मों में ये विलन के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों, लीड एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों। और अयाज खान भी मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बता दूं दोस्तों कि अयाज खान भोजपुरी के कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई हिट कलाकारों के साथ नजर आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ क्राइम लॉर्ड और तमाम सीरियल में भी काम कर चुके हैं अयाज खान, और ये भी मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं सहर आफ्ताब की। जी हां दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक समय था कि बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में काम किया करती थी दोस्तों, और भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस इनको माना जाता है। बता दूं दोस्तों कि कई हिट गाने में काम कर चुके हैं सहर आफ्ताब। बता दूं पवन सिंह के साथ घातक मूवी में ये नजर आई थी, साथ ही साथ मेहंदी लगा के रखना 3 और तमाम फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, और भोजपुरी की एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ये भी मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हैं दोस्तों, और ये भी मुस्लिम धर्म से आती हैं। और फिलहाल ही समय में दोस्तों आज से 2 महीने पहले इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया दोस्तों, और ये अब ये फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्म में नजर नहीं आने वाली है दोस्तों। और बता दूं कि सहरा आसिफ भी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं जाहिद अख्तर की। जी हां दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के सबसे बेहतरीन राइटरों में से एक जाहिद अख्तर को माना जाता है, और जाहिद अख्तर भी मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ये भी मुस्लिम जाति से आते हैं, इनकी धर्म है मुस्लिम। बता दूं दोस्तों जाहिद अख्तर ने भोजपुरी में कई हिट गाने दिए हैं, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो, अन्य कलाकारों को बहुत ही हिट गाने दिए हैं। बता दूं कि पवन सिंह का एक काफी हिट एल्बम आया हुआ था, जिस एल्बम का नाम था लॉलीपॉप लागेलू, जैसे कई हिट गाने जाहिद अख्तर दिए हैं पवन सिंह को। वही दोस्तों बता दूं कि माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा और तमाम हिट गाने पवन सिंह को जाहिद अख्तर ने दिए हैं, और जाहिद अख्तर भी मुस्लिम धर्म से आते हैं। वही दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आलम राज की। जी हां दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन सिंगर आलम राज को माना जाता है, बेहतरीन गायक आलम राज को माना जाता है, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज तो है नहीं दोस्तों। कई हिट गाने दिए हैं दर्द आलम का, कई हिट गीत दिए हैं आलम राज, और भोजपुरी के एक बेहतरीन सिंगर हैं। बता दूं दोस्तों कि आलम राज भी मुस्लिम धर्म से आते हैं दोस्तों, और बता दूं आलम राज भी भोजपुरी में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, कई हिट गाने दे चुके हैं। तो दोस्तों ये थे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ एक्टर एक्ट्रेस जो कि मुस्लिम धर्म से आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।